हेलो फ्रेंड, मैं सुदीप। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बीपी कैसे मेजर करेंगे, मतलब ब्लड प्रेशर कैसे देखेंगे ह्यूमन बॉडी का। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं या पहले ईयर में, उनको बीपी लेना नहीं आता। बहुत ज़्यादा उनमें एक्साइटमेंट भी रहता है कि हम बीपी कैसे लें, उसको सीखना कैसे है। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को, बीपी मशीन को कैसे यूज करते हैं, बीपी मशीन को क्या बोलते हैं, और कितने प्रकार के बीपी मशीन होती है, और कैसे लगाई जाती है उसको, और कैसे हम मेजर करते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है और मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि बीपी मतलब नॉर्मल ह्यूमन का बीपी, नॉर्मल आदमी का बीपी जो होता है 120/80, मतलब 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, जिसको MMHG में मेजर करते हैं, और जो नीचे वाला है 80 वो डायस्टोलिक प्रेशर है, इसको भी MMHG में मेजर करते हैं। मोटी मोटी बात ये आप ये समझ लो, जैसे कि 120 जो ऊपर वाला सिस्टोलिक बोले तो जैसे हार्ट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। फिर जो नीचे वाला 80 डायस्टोलिक प्रेशर जिसे बोल रहे हैं, उसमें ब्लड जो है फैलता, हार्ट जो है फैलता है और बॉडी का ब्लड हार्ट में आता है, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। अगर जो नॉर्मली हमारा बीपी 120/80 है तो हमारा ये आइडियल ब्लड प्रेशर है। अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर हम 120/80 से 140/90 के बीच में आ रहा है, तो ऐसे ब्लड प्रेशर को भी हम नॉर्मल ही बोलेंगे, बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ, लिटिल सा जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना है, हेल्दी फूड लेना है, और कुछ थोड़े बहुत अपने प्रिकॉशन लेने हैं, और ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर जो आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से एबव आ रहा है, और ये भी नॉर्मल है या थोड़ा सा बढ़ा हुआ बोल सकते हैं, अगर जो ये 1 वीक तक हम इसको मेजर करेंगे, अगर जो 2-3 वीक तक ही 140/90 बना हुआ है या उससे ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें उससे, और डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको आगे अब क्या करना है। तो ये हो गया हमारा बीपी। तो अब हम आपको बताएंगे कि बीपी कैसे लेंगे और कौन सी हमारी मशीनें होती हैं जो यूज करते हैं। हमारे पास ये है बीपी मेजरिंग मशीन, इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। ये मैनुअल होती है, मैनुअल इसको बोलते हैं, और एक आती है डिजिटल भी आती है, डिजिटल बीपी मशीन होती है, और उससे डिजिटल हो वैसे ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, डिजिटल में एक्यूरेसी थोड़ा कम आती है। अपने उससे तो वो भी सही है, इसलिए उसमें अगर जो आपको आपके पास मजबूरी है कि आपके पास डिजिटल ही है, तो आप उसको 3 बार मेजर करो उससे बीपी, और बीच में जो आता है उसको आप एक्यूरेट मानो। तो अब मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि बीपी मशीन है, इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर मैनुअल। ये हमारा ये कप बोलते हैं इसको, कप बोलेंगे। ये रबर ट्यूब है, इसमें 2 रबर ट्यूब होती हैं। ये हमारी नॉब है जिसको हम इधर घुमाएंगे और इसमें प्रेशर देंगे। ये रबर का बल्ब है, और हमें ये याद रखना है कि जो ये यहाँ पे जो ये नॉब दी हुई है, इस पे थोड़ा दिखाना, यहाँ पे ये जो नॉब है इसको ऐसे करेंगे, ऑन करेंगे इसको, ऐसे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो इसको ऐसे रखना है। और हमारा जो यहाँ पे मरकरी है वो 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बीपी नापने के 2 मेथड होते हैं जो यूज में लाए जाते हैं, एक होता है पाल्पेट्री मेथड, दूसरा होता है ऑस्कल्टेटरी मेथड। पाल्पेट्री मेथड में हम केवल इस मैनुअल बीपी मशीन को यूज करेंगे, और रेडियल आर्टरी होती है यहाँ पर हमारा, ये जो इंडेक्स फिंगर से हम अपनी रेडियल आर्टरी से फील करेंगे।
वो हो गया हमारा पाल्पेट्री मेथड, इसमें केवल हम सिस्टोलिक बीपी ही नाप पाते हैं। और दूसरा हमारा जैसे ऑस्कल्टेटरी मेथड जो बहुत कॉमन मेथड है, इसको हम यूज करते हैं, ये स्टेथो से हम जो है यहाँ पे लगाएंगे और रेडियल ये ब्रैकियल आर्टरी जो है उस पे हम फील करेंगे स्टेथो रख के। तो अब हम आपको ले चलते हैं पेशेंट के पास और उसको कैसे करना है अब वो देख आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें जो बीपी लेना होता है, अगर जो पेशेंट को बैठा के भी कर सकते हैं, लिटा के भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट बीपी जो आता है वो लिटाने पे ही आता है। वैसे तो हम बिठा के भी ले लेंगे, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन अगर जो आपको बहुत एक्यूरेट बीपी लेना है तो आपको लिटा के लेने में अच्छा बीपी मिलेगा आपको। अब हम ये मैनुअल बीपी लेने जा रहे हैं। हमारे जो मतलब दोस्त है हमारे, वो काउच पर लेटने के लिए तैयार नहीं रहे हो हैं, वो बोल रहे हैं बैठ के ही बीपी नपवाएंगे। तो मैं इनका थैंकफुल हूँ कि ये कोऑपरेट कर रहे हैं। तो बीपी लेने से पहले एक बात ध्यान रखें कि ये जरूर पूछ लें कि 30 मिनट पहले उन्होंने कोई स्मोकिंग तो नहीं की है, जिम से तो नहीं आए हैं, या कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ली है, या कॉफ़ी तो नहीं ली है। ये चीज़ें अपना पूछना जरूरी होता है। और ब्लैडर भी देख लेना, ब्लैडर अगर फुल है तब भी बीपी में चेंजेज आते हैं, तो ब्लैडर खाली होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और ये हमारी जो मैनुअल स्पेग्नोमैनोमीटर है, इसको हम बिल्कुल पैरेलल रखना है मुझे, हाथ के और ये हार्ट के करीब में रखना है, बिल्कुल पैरेलल ऐसे। इससे भी चेंजेज आते हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, और इसलिए तो हम सबसे पहले ये कफ है इसको हम ऐसे करेंगे। तो हमें करना क्या है, क्यूबाइटल फोसा को देखेंगे। ये क्यूबाइटल फोसा है, ये क्यूबाइटल फोसा से 1 इंच ऊपर बांधेंगे, 1 इंच ऊपर। और ये जो हमारी डबल ये ट्यूब आ रही है, ये इसके सामने होनी चाहिए, ठीक है, ये इसके सामने होनी चाहिए, क्यूबाइटल फोसा से 1 इंच ऊपर। और ये जो ट्यूब है ये ऐसे होनी चाहिए, जब भी बांधें तो इसका बहुत ध्यान रखें ये जो है। और इसमें एक उंगली का लगभग गैप होना चाहिए, इतना रखें। और फिर हम अभी आपको बताएंगे कि पाल्पेट्री बीपी कैसे लेंगे। तो हम ये करेंगे, इसको नाप को कस लेंगे और इसको पुश करेंगे, 0 से हम इसको ले जाएंगे। और यहाँ पे हम मिडिल फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से, मिडिल और इंडेक्स फिंगर से रेडियल आर्टरी को फील करेंगे, जहाँ पर हमें रेडियल आर्टरी फील होना बंद हो जाए उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाके फिर हम इसको नॉब को खोलेंगे और एयर को बाहर निकालना धीरे धीरे शुरू करेंगे। और फिर जहाँ पे हमें रेडियल आर्टरी फील होने लगे वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। इससे हम केवल सिस्टोलिक ही ले पाते हैं। ये हमारा हो गया पाल्पेट्री मेथड। अब हमको करना है ऑस्कल्टेटरी मेथड। ऑस्कल्टेटरी मेथड में आप स्टेथोस्कोप यूज करेंगे। ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा बेल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टेथो को हरदम इस साइड से लगाते हैं। ये सामने का साइड होता है और ये बैक का साइड होता है। तो ऐसे लगाते हैं हरदम स्टेथो को, ऐसे लगाएंगे और फिर अपने डायफ्राम को हम ब्रैकियल आर्टरी, ये इधर ब्रैकियल आर्टरी फील हो रही है हमें, और आप यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा पे रख दें, आपको ब्रैकियल आर्टरी फील होगी। फिर हम क्या करेंगे, सीधा बात है कि आप इसको टाइट करें, नॉब को टाइट कर दें और इसको प्रेस करना शुरू करें धीरे धीरे, और इसको ले जाए 180 तक ले जाए, या 200 तक, 180 तक ले जाए। फिर धीरे धीरे इसको
एयर को छोड़े इसके ढीला करते जाए नॉब, धीरे धीरे नीचे लाए पारे को, और इस तरह से हम लाते जा रहे हैं, धीरे धीरे लाते जा रहे हैं, धीरे धीरे पारा नीचे आ रहा है, ये आता जा रहा है, और जहां पे हमें साउंड आना शुरू हो गया 110 पे मुझे साउंड फील हो गई। तो जहां पे ये साउंड आया पहला, ये साउंड हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक। और फिर हम इसको नीचे लेते जाएंगे, और ये साउंड जहां से ये साउंड फिर से गायब हो जाए, वो हमारा डायस्टोलिक बीपी है। ये सीधा फंडा याद रखें, बीपी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। और इस तरह से हमारा 110/70 हमारा बीपी आ गया। ये हो गया हमारा मैनुअल मेथड। तो इस तरह से मैंने बताया, थैंक यू, मैंने बताया कि बीपी स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज कैसे करते हैं, बीपी कैसे लेते हैं। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बिल्कुल सीधा बताया, बहुत आसानी से बताया है आपको, 180 तक ले जाना है, 200 तक ले जाना है, उसके बाद नॉब को ढीला करके धीरे धीरे नीचे लेके आना, जहाँ पे पहली साउंड मिल जाए वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, फिर उसको धीरे धीरे नीचे ही लेके जाना है, फिर जहाँ से वो साउंड गायब हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर है, ये हमारा बीपी आ गया। बहुत सामान्य है, और इस तरह से हमने आज का टॉपिक खत्म किया। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें, हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। धन्यवाद।